बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ और उसमें मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ। पुरुषवाचक के बाद मैंने पुरुषवाचक के भेद बताए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें मैंने उत्तम पुरुष तक पढ़ा दिया है आपको, जो अभी आपको बोर्ड पर यहाँ दिख रहा होगा। अब मैं इसके बाद मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़ाऊंगी। तो पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि उत्तम पुरुष का मतलब हुआ कि वक्ता, यानी जो बोलता है वो वक्ता है। और वो है, कौन होता है? मैं और हम होता है। मैं, मेरा, हम, हमारा, ये वक्ता होता है। तो इस जगह पर हम हमेशा हम प्रयोग करें या मैं प्रयोग करूं, मैं बोल रही हूं, हम बोल रहे हैं, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। लेकिन मध्यम पुरुष जब आएगा तो वो श्रोता होता है। श्रोता क्यों होता है? क्योंकि जो उत्तम पुरुष बोल रहा है, मैं और हम, यानी वक्ता जो बोलता है, उसको सुनने वाला कौन है? श्रोता है। श्रोता जब सुनने वाला है तो वो श्रोता ही जो है वो आपका मध्यम पुरुष है। तो मैं अब मध्यम पुरुष लिखाने चल रही हूँ। आप तैयार हो जाइए मेरे साथ। यहाँ मैं एडिंग डालती हूँ। मध्यम पुरुष, वह सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम आ, तुम बाजार जा रहे हो, आप खाना खा लीजिए। देखिए, आप खाना खा लीजिए, तुम बाजार जा रहे हो, तो ये हमारा जो हुआ वो हो गया मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुष। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूं। आगे की बात करते हैं। उत्तम पुरुष के बाद हो गया अन्य पुरुष। ये सर्वनाम थोड़ा सा मिट गया, मैं इसको ठीक कर दूं। अब तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या हुआ? जब वक्ता श्रोता के बाद किसी तीसरे की बात की जाती है तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो है वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता या श्रोता को
छोड़कर किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति की बात की जाए उसे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह क्या कर रही है, दूसरा उसे बुलाओ, तीसरा उसने खाना नहीं खाया। तो ये आपके हो गए अन्य पुरुष। अब बारी आती है पुरुषवाचक समाप्त होने के बाद, अब बारी आती है निश्चयवाचक सर्वनाम की, जो मैं हेडिंग डालती हूं। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैंने बोर्ड पर लिख दी है। उदाहरण लिखती हूं, जैसे वह नहीं यह दो, यह निश्चितता का भूत हो रहा है। दूसरा वाक्य है इसे यहां बैठा दो, तीसरा वाक्य है इसने चोरी नहीं की। तो इसमें सारे वाक्यों को पढ़ने से जो है वो निश्चितता का बोध हो रहा है। सारे वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें अपने आप एक निश्चितता का बोध हो रहा है, जिस निश्चितता को महसूस किया जा रहा वह नहीं यह दो, यानी कोई ऐसी चीज है जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो नहीं चाहिए हमें ये दो। फिर इसे यहां बैठा दो, यानी कोई एकदम निश्चित चीज है जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि इसे यहां रख दो या इसे यहां बैठा दो। इसने चोरी नहीं की, यानी हम निश्चित रूप से बता सकते हैं
किस व्यक्ति ने चोरी नहीं की है। तो ये सारी चीजें जो हैं निश्चितता का बोध करा रही हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे की चीजें लिखती हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हो जाती हूँ। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रब करती हूँ और इसके आगे की चीजों को लिखती हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बारी आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। चलिए शुरू करती हूँ। तीसरी हेडिंग डालिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जहां निश्चित कोई चीज ना पता लगती हो, वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं कराता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस भी स्थिति में है, अगर हमको ये लग जाए कि हम जो चीज वहां बात कर रहे वो निश्चित नहीं है, निश्चितता का बोध ना होता हो, तो ऐसे स्थिति में निश्चितता का जहां बोध नहीं होगा वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि हम कहें दरवाजे पे कौन खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, किसी ने वहां कुछ देखा, तो ये सारी चीजें अनिश्चितता की है। कौन अभी आवाज दे रहा था? तो जहां कहीं भी अनिश्चितता का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गा रहा है, दूध में कुछ पड़ा है, तो कोई कुछ आदि से जो है अनिश्चितता का बोध होता है। जहां कहीं भी कोई कुछ आदि चीजों का बोध हो वहां अनिश्चितता का बोध होता है। तो जैसे कोई कुछ इत्यादि। तो अब यहां पर निश्चितता का बोध गया। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चौथे की बारी आ गई, तो चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी वो सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने प्रश्न पूछने
के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तीसरा क्या तुम कल आओगे, क्या तुम कल आओगे। तो इस तरीके से देखिए सारे प्रश्न पूछने वाले हैं। इसको पहचानने का एक तरीका और है कि इसमें आपको देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, तो इससे भी आप पहचान जाएंगे। तो उम्मीद है कि इतना आपने समझ लिया हो। तो मैं अब यहां बढ़ती हूं पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम का मतलब हुआ कि जो सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग किया जाता हो, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग हम खुद के लिए करते हो, जैसे मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना खाना खुद खा लूंगा वगैरह। तो जहां जो सर्वनाम खुद के लिए प्रयोग होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं लिखवाती हूं, आप शुरू करिए। वह सर्वनाम शब्द जो, मुझे लग रहा है कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम, मुझे लग रहा है इसके नीचे आपको नहीं दिखाई देगा, कहते हैं, लिख दे रहे बस खाली कहते हैं। उदाहरण मैं ऊपर लिखूंगी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको रफ करती हूं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, अपने आप खाना अपने आप खाना खा लूंगा, मैं स्वतः, स्वतः शब्द भी स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है,
मैं स्वतः चला जाऊंगा, तो आप ये सारे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा और आखिरी है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य के दूसरे हिस्से से संबंध स्थापित करता है, या जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे अंश से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उसे करने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस तरीके के जितने भी वाक्य मिलेंगे वो आपके क्या हो जाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम पूरा समझ में आ गया होगा। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेदों की परिभाषा, पुरुषवाचक सब मैंने आपको समझा दिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसको दोहराइए, पाठों के पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसको करिए, जो चीज़ें ना आए आप मुझसे पूछिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।